नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं सावन के पहले सोमवार की। सावन के पहले सोमवार के दिन जनपद के सभी शिव मंदिरों का नजारा बेहद भव्य और आकर्षक दिखाई दिया है। यहां शिव भक्तों की ओर से पूजा अर्चना का दौर भी चलता दिखाई दिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं। 22 जुलाई को श्रवण मास का पहला सोमवार था तो तस्वीरें भी कुछ अलग होना तय थी। लोगों में श्रवण मास को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा था, जो कि सावन के पहले सोमवार पर नगर के शिव मंदिरों में दिखाई दिया है। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यह तस्वीरें नगर के प्राचीन भीमसेन मंदिर की तस्वीरें हैं। यहाँ श्रवण मास के पहले सोमवार के दिन मंदिर के बाहर मेले जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। शिव भक्तों में भी गजब का उत्साह और भगवान शिव की भक्ति देखने को मिल रही है। महिलाएं, युवतियां और पुरुष भी उत्साह के साथ भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर की ओर पहुंच रहे हैं। मंदिर की तस्वीरें भी बेहद आकर्षक और मन को लुभाने वाली थी, जो कि आपकी स्क्रीन पर सामने है। आप आसानी से देख सकते हैं कि पूजा अर्चना और भक्ति की यहाँ एक अनोखी छटा दिखाई दे रही है। ऐसी ही तस्वीरें हैं, शिव भक्त लाइन में लगकर पूजा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं ऐसी ही तस्वीरें प्राचीन चांदेश्वर मंदिर पर भी देखने को मिली हैं। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरें प्राचीन चांदेश्वर मंदिर की हैं। यहाँ भी भक्तों में पूजा अर्चना करने की होड़ लगी दिखाई दे रही है। भक्त भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देर शाम तक यहाँ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। श्रवण मास के सभी सोमवार के दिन शिव मंदिरों पर ऐसे ही नजारे देखने को मिलेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार की ओर से सभी मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। स्वयं पुलिस अधीक्षक का सुरक्षा कवच ऐसा तैयार किया गया था जिसके चलते परिंदा भी पर न मार पाए। ज्यादातर खबरें आती थी कि मंदिरों में कुछ अराजक तत्व जेब काटी गई या अन्य तरीके की अराजकता फैलाने का कार्य करते थे। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए और मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचने वाले भक्तों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, इसको देखते हुए भी पुलिस अधीक्षक की ओर से सभी मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे।